एक लड़की के पास फेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। पहले तो लड़की सोचती है कि रिक्वेस्ट को डिलीट कर दूं, पर फिर सोचती है कि एक बार इसकी प्रोफाइल देख लेती हूँ। लड़की उस लड़के की प्रोफाइल देखती है जिसमें उसको कुछ भी गलत नहीं दिखता। प्रोफाइल पर फोटो भी अच्छी लगी थी, तो उस लड़की ने सोचा कि चलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और अगर लड़का बदतमीज हुआ तो इसको बाद में ब्लॉक कर दूँगी। यही सोचकर उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। रात को उस लड़के का इनबॉक्स में मैसेज आता है, दोनों थोड़ी बातें करते हैं और लड़की को पता चलता है कि वो उसी के शहर में रहता है। दोनों रोज़ बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। फिर एक दिन लड़की ने उस लड़के को बताया कि उसके मम्मी पापा और भाई एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, उसकी एग्ज़ाम है तो वो घर पर ही रह कर पढ़ेगी। तो लड़के ने उसको कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ, दोनों मिलकर खूब मस्ती और खूब मज़ा करेंगे। तो लड़की ने उसको कहा, नहीं घर पर अकेले में नहीं, अगर तुमको मिलना है तो हम किसी कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हैं। यह सुनकर लड़का बोला, तुम भी ना क्या पुराने ज़माने की बातें कर रही हो, आज का ज़माना अलग है, आजकल सब चलता है और अकेले मिलने में बुराई ही क्या है। तो लड़की बोली, अगर अकेले मिलने में कोई बुराई नहीं है तो तुम अपनी बहन को मेरे भाई के कमरे में अकेले भेज दो एक दिन के लिए। ये सुनते ही वो लड़का भड़क गया और चिल्लाने लगा, तेरा दिमाग तो सही है, जबान संभाल कर बोल जड़ा। तो लड़की बोली, क्यों क्या हुआ तुझे, कहाँ गई तेरी आधुनिकता, आज का ज़माना सब चलता है और क्या फ़र्क पड़ता है वाली सोच। अपनी बहन की बात आई तो तेरी आज की सोच पर पुराने ज़माने में चला गया क्या। लड़की की बातें सुनकर लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। तब लड़की ने आखिरी बात बोली, जो तुम अपनी बहन के साथ होता नहीं देख सकते हो, उसको दूसरों की बहन के लिए भी मत सोचो, बहन तो बहन ही होती है, वो चाहे किसी की भी हो, और गलत हमेशा गलत ही रहेगा, वो चाहे किसी भी ज़माने में क्यों ना हो। इतना कहकर उस लड़की ने उस लड़के को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। ये तो एक कहानी थी, पर ऐसा सोशल मीडिया पर रोज होता है क्या, हर लड़की इसी तरह जवाब दे पाती है, या ऐसे लोगों के झांसे में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।